तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बात करेंगे JBL का एक 550 वाट स्पीकर के ऊपर, जो कि स्पीकर का फुल रिव्यू, स्पेसिफिकेशन एंड प्राइस भी आप लोगों को, प्राइस जानने की जरूरत बहुत ज्यादा होती है, तो प्राइस भी इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ। वीडियो लास्ट तक देखते रहिए, पूरा कंप्लीट वीडियो होने वाला है JBL का एक 550 वाट स्पीकर का। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो ये जो स्पीकर आता है JBL की तरफ से आता है, और लोकल मार्केट में, आपके नियरेस्ट लोकल मार्केट में आपको ये स्पीकर देखने को मिल जाएगा। ये स्पीकर है 15 इंच में एक 550 वाट का JBL का स्पीकर। बात करो अगर इसके मॉडल नंबर की, तो 15WP550। स्पीकर के ऊपर आपने काफ़ी सारे वीडियोस देखे भी होंगे, और आपको ये स्पीकर नियरेस्ट मार्केट में मिल जाएगा। आपको थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा, लेकिन ये स्पीकर आपको नियरेस्ट मार्केट में मिल जाएगा। बात करूँ अगर रिव्यू की, तो स्पीकर तो आप यहाँ पर देख सकते हो, काफ़ी अच्छे डिज़ाइन के साथ ये स्पीकर आता है। एकदम यूनिक लुक है इसका, और इस स्पीकर में आपको काफ़ी अच्छा हीट वेंटिलेशन सिस्टम भी देखने को मिलता है। इसके लिए इसका कॉयल जो है कटने का चांसेस एकदम ज़ीरो रहता है, कटता ही नहीं, क्योंकि इसके अंदर हीट वेंटिलेशन सिस्टम काफ़ी अच्छे से यूज़ किया गया है। और इसके अंदर रिव्यू तो आप लोगों ने देख ही लिया है स्पीकर का, और थोड़ा सा चलिए आप लोगों को मैं स्पेसिफिकेशन भी इसका बता देता हूँ, जो कि इसका मॉडल नंबर से स्टार्ट करते हैं। JBL का 15WP550 है इसका मॉडल नंबर। 550 वाट का JBL का स्पीकर है ये, मेड इन ब्राज़ील है। तो स्पीकर के अंदर आपको कंटिन्यूस पावर 1100 वाट देखने को मिलता है, और RMS पावर इसका 550 वाट है, मैंने बता दिया है। और इसका जो इम्पीडेंस है 8 ओम्स है। और इसका कॉयल कितना इंची है, काफ़ी सारे लोग ये बात पूछते हैं। इसके अंदर जो कॉयल यूज़ किया गया है 4 इंची का कॉयल है, और इसमें जो आपको फ्रीक्वेंसी मिलता है 45 हर्ट्ज़ से लेकर 3500 हर्ट्ज़ तक फ्रीक्वेंसी भी देखने को मिलता है। पूरा स्पेसिफिकेशन मैं राइट साइड में दे रहा हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। और इस स्पीकर को आप डुअल टॉप में या फिर मॉनिटर में कहीं पर भी काफ़ी अच्छे से यूज़ कर सकते हो, लेकिन इसके साथ एक HF ड्राइवर का ज़रूर से यूज़ कीजिएगा। HF ड्राइवर 100 या फिर 110 वाट का HF यूज़ कीजिए, क्योंकि इस स्पीकर में आपको मिड बेस काफ़ी अच्छा मिलता है, लेकिन इस स्पीकर में आपको ट्रैवल फ्रीक्वेंसी थोड़ा सा कम मिलता है। इसलिए आप इसके साथ एक JBL का ही 110 वाट का HF ड्राइवर भी यूज़ कीजिए। और इस स्पीकर अगर आप डुअल टॉप में यूज़ करते हो, तो कितने वाट का एम्पलीफायर लगेगा दो टॉप के लिए, चलिए वो भी मैं बता देता हूँ। आपका एक एक टॉप लगभग 1200 वाट का हो रहा है HF को मिलाकर। तो आप यहाँ पर कोई ऐसा एम्पलीफायर लीजिए जिसमें आपको 4 ओम्स पर 1100 से लेकर 1300 तक आउटपुट मिलता हो। जैसे कि मैं यहाँ पर बोलूँ तो थोड़ा सा अच्छा क्वालिटी का ही एम्पलीफायर लीजिएगा, क्योंकि आपका स्पीकर JBL कंपनी का है, ठीक है। तो थोड़ा सा अच्छा क्वालिटी का एम्पलीफायर लीजिएगा, कोई 3000 से लेकर 3500 वाट का एम्पलीफायर लीजिएगा तो बेटर है। जैसे कि यहाँ पर स्टूडियो मस्टर्ड का पी सीरीज का 3.0 ऐसा एम्पलीफायर आप यूज़ कर सकते हो। इस एम्पलीफायर में आपको 4 ओम्स पर चैनल 1100 वाट करके आउटपुट मिलता है, तो एक एक चैनल पर आप एक एक टॉप आराम से चला सकते हो, ठीक है। तो आप ऐसा 3000 वाट का एम्पलीफायर लीजिएगा तो बेटर है। और बात करूँ अगर यहाँ पर 4 टॉप के लिए एम्पलीफायर, तो 4 टॉप यानी कि 2 ओम्स लोड हो रहा है, तो आप देख कर लीजिए जिसे एम्पलीफायर में आपको 2 ओम्स पर 2400 या फिर 2500 वाट आउटपुट मिल रहा है, तो आपका दो टॉप मिलाकर यहाँ पर लोड हो रहा है 2400 वाट, तो आप एक 5000 वाट का एम्पलीफायर ले सकते हैं। तो आप यहाँ पर लगभग 4500 से लेकर 5000 तक का वाट का एम्पलीफायर यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि स्टूडियो मास्टर का पी सीरीज़ का 4.5 ये एम्पलीफायर आता है, इसमें आपको 2200 वाट आउटपुट मिलता है पर चैनल पर, तो आप दो टॉप एक चैनल पर, दो टॉप दूसरे चैनल पर ऐसे भी चला सकते हो पी सीरीज़ का 4.5 एम्पलीफायर में, या फिर दूसरा कोई 5000 वाट का एम्पलीफायर में भी चल जाएगा 4 टॉप, ठीक है। तो आप थोड़ा सा बेटर क्वालिटी का लीजिएगा तो और भी अच्छा है, क्योंकि आपका स्पीकर JBL का है। और बात करूँ अगर स्पीकर के प्राइस की, JBL के 15WP550 स्पीकर का प्राइस, तो अप्रोक्स आपको ये स्पीकर 15000 में मिल जाएगा। थोड़ा सा कम ज़्यादा प्राइस हो सकता है, और हाँ ज़रूर JBL के डीलर से ही ये स्पीकर लीजिएगा, GST बिल के साथ लीजिएगा, क्योंकि डुप्लीकेट मिलने का चांसेस ज़्यादा होता है ये स्पीकर का, ठीक है। तो ज़रूर से JBL के डीलर से ही लीजिएगा, और मैंने ये प्राइस ऑनलाइन से निकाला है, तो प्राइस थोड़ा सा कम ज़्यादा हो सकता है। और आई होप आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। काफ़ी ज़्यादा आप लोग कमेंट कर रहे थे JBL स्पीकर के प्राइस की, तो मैंने ये वीडियो बना दिया है आप लोगों के लिए। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि मैं ऐसे ही डिजिटल रिलेटेड वीडियोज़ इस चैनल पर हर दिन अपलोड करता रहता हूँ। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।